बालों को अगर सबसे ज़्यादा जल्दी लंबा और घना बनाने की बात आती है तो सबसे बेस्ट होता है अनियन। अनियन को यूज़ करने से हेयर फॉल भी रुकता है, बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं और बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। इसीलिए तो मार्केट में आजकल आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रांड्स बना रहे हैं, अनियन ऑयल, अनियन शैम्पू, अनियन मास्क। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको परचेज़ क्यों करनी जब आपके घर में अनियन अवेलेबल है और उसको यूज़ करके आप अपने बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको तीन तरीके बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा लंबा, घना और शाइनी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके हैं और ये सारे भी फॉलो कर सकते हैं अलग अलग टाइम पर, और इसमें से कोई एक भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ये सिंपल तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक अनियन हेयर रीग्रोथ मास्क। इसके लिए हम लोग को एक बाउल में ले लेना है 1 टेबलस्पून भृंगराज का पाउडर। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है बालों की लेंथ को बढ़ाने के लिए, बालों को घना बनाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए 1 टीस्पून आंवला पाउडर। आंवला बहुत ही इफ़ेक्टिव है बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, इसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे अनियन जूस फ्रेश, जो हम लोग ने अभी अभी प्रिपेयर किया है। अनियन जूस इतना ऐड करना है कि स्मूथ पेस्ट फॉर्म हो जाए। लास्ट में इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हेयर ग्रोथ पैक बनके रेडी है। इसको सिंपली आपको अपने स्कैल्प पे लगा लेना है, ये लेंथ के लिए नहीं है, ये स्कैल्प के लिए है। पूरे स्कैल्प को अच्छे से इससे कवर कर देना है। ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, ये आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करेगा, हेयर फॉल को कम करेगा और नए बालों की ग्रोथ इससे आपको विजिबली नज़र आना शुरू हो जाएगी। लगा के आपको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जैसे आप नॉर्मली शैम्पू करते हैं वैसे ही अपने बालों को वॉश कर देना है। वीक में 2 बार इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड रेमेडी है अनियन हेयर ग्रोथ ऑयल की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक लाल प्याज ले लेना है मीडियम साइज़ की। इसको आपको बारीक काट लेना है, अच्छे से स्लाइसिंग कर लेनी है इसकी। और हम लोग को अब चाहिए कोकोनट ऑयल। इस ऑयल को हम लोग आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे। तो लोहे की कढ़ाई में आपको 1 कप कोकोनट ऑयल डाल लेना है। साथ में इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस की हुई अनियंस और लास्ट में इसमें ऐड करना है 8 से 10 काली मिर्च। इस तरह से अगर आप अनियन ऑयल बनाते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यह आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको गैस पे आपको चढ़ा देना है कुक करने के लिए। पहले आपको इसे हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट बनाना है और उसके बाद फ्लेम को धीरी कर देना है। जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए तब तक आपको इसको पकाना है। एक बार प्याज इस तरह की गोल्डन नज़र आने लगे तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ऑयल को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने तक छोड़ देना है कढ़ाई में। उसके बाद इसको छान लेना है और ये हमारा अनियन हेयर रीग्रोथ ऑयल बनके रेडी है। जब भी आपको इसको यूज़ करना है अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करना है इस ऑयल से, पूरे स्कैल्प को इससे कवर कर देना है। आप चाहें तो लेंथ पर भी लगा सकते हैं। ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं छोड़ सकते तो 2 से 3 घंटे के लिए अपने बालों पर छोड़ दें, उसके बाद शैम्पू से वॉश कर दें। ये ऑयल आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट तो करेगा ही, साथ साथ इससे हेयर फॉल भी कम होता है और बाल घने होते हैं। अब हम लोग बनाएंगे एक अनियन हेयर ग्रोथ सीरम। इसके लिए आपको सबसे पहले अनियन का जूस निकाल लेना है। सिंपली अनियन को आपको ब्लेंडिंग जार में डालना है, ब्लेंड करना है, स्ट्रेन करके जूस निकाल लेना है। अब एक बाउल में हम लोगों को लेना है 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। मैं यहाँ मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून फ्रेश अनियन जूस। लास्ट में इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून कैस्टर ऑयल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ये हमारा अनियन हेयर रीग्रोथ सीरम बन के रेडी है। इस सीरम को यूज़ करने से आपकी हेयर ग्रोथ बूस्ट होगी। कुछ ही दिनों में नए हेयर ग्रोथ आपको नज़र आना शुरू होगी जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। इसको आपको अपने पूरे स्कैल्प पे लगा लेना है नहाने के आधा घंटा पहले।
आधे घंटे तक आपको इसको अपने स्कैल्प पे लगा रहने देना है अच्छे से, और उसके बाद शैम्पू से वॉश कर लेना है। इसको भी वीक में आप एक से दो बार यूज़ कर सकते हो। इस तरह से अनियन को यूज़ करने से बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ये तीन तरीके बहुत ही अमेजिंग है आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। नए बालों की ग्रोथ इससे ज़रूर होती है और आपके हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं आपकी क्या क्वेरी है या फिर आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।